हेलो फ्रेंड्स, वेकेशन मोड ओवर होने के बाद हम तीनों आ गए रियलिटी में। मुझे जाना था ऑफिस, नीर को जाना था स्कूल, उसकी समर वेकेशंस ओवर हो गई थी। तो सबसे पहले उठ के मैंने ऑर्डर कर दी थोड़ी सब्जियां, टमाटर बहुत थोड़े से ऑर्डर करे, बहुत महंगे हो रखे थे। नीर के लंच के लिए मैंने बना दी नमकीन सेवियां खूब सारा कड़ी पत्ता डाल के। जब तक उसका लंच रेडी हो रहा था, मैंने उसकी स्कूल ड्रेस निकालती और बॉटल में ढूंढती रही। तो बाद में पता चला कि उसने लगा रखी थी साइकिल पे अपनी, वो बॉटल भरी, उसका लंच वगैरह पैक किया और वो निकल गया स्कूल के लिए। वेकेशन से आने के बाद बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, तो मैंने अपनी वॉक भी स्किप करी, वो सारे काम निपटाए। कपड़े थे बहुत सारे धोने वाले, वो सारे धो दिए। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे बेटे को स्कूल छोड़ के। घर बहुत ही गंदा हो रखा था, तो उन्होंने डस्टिंग भी कंप्लीट कर दी। फटाफट से रेडी होके मैंने बनाना शुरू कर दिया लंच और ब्रेकफास्ट। एक तरफ मैंने मैक्रोनी बॉयल करने रख दी और साथ में उसका मसाला रेडी करना शुरू कर दिया। साथ ही में मैंने दाल भी रख दी, तब तक वो बन जाती। और फटाफट से मैक्रोनी बॉयल हो गई और उसको मैंने निकाल दिया पानी से और फटाफट से रेडी कर दी मैक्रोनी। रोटी मैंने ऑलरेडी बनाई दी थी साथ के साथ। जल्दी से मैंने किचन क्लीन करी और फिर लगा दिया दाल में तड़का। बहुत सारा कड़ी पत्ता डाल के मैंने तड़का लगाया था, बहुत टेस्टी सी दाल बनती है। फिर मैंने अपना लंच और ब्रेकफास्ट पैक किया और मैं निकल गई ऑफिस के लिए। और जैसे ही मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी, बीच में लिफ्ट रुक गई मेरे फ्लोर पे आने से पहले। बड़े मुश्किल से आई और मैं पहुंची ऑफिस। वापस आई तो मैंने थोड़ी सी अपनी मीटिंग्स पहले अटेंड करी और उसके बाद हो गया चाय का टाइम। चाय पी के मैथ्स का टेस्ट पेपर रेडी कर दिया मैंने अपने बेटे के लिए, उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और सबको खाना था नमक का पराठा विद अचार, वो बनाया। ऐसे रहा दिन।